हेलो दोस्तों, आज हम ये पैड पाउच बनाएंगे। पैड पाउच भी बोलते हैं इसको। आप अपना छोटा मोटा सामान डाल सकते हैं इसमें। वैसे तो हम इसे पैड पाउच बोलते हैं। आप इसमें अपना मेकअप का सामान डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, मेडिसिन भी डाल सकते हैं। आपके पर्स में इधर उधर चीज़ें नहीं जाएंगी। ये छोटे छोटे पाउच आप अपने बड़े पर्स में डाल सकते हैं, टोट बैग में। ये पैड पाउच है, इधर उधर नहीं ढूंढने पड़ते और ये थोड़े कवर भी रहते हैं। अगर किसी के सामने निकाल के भी लेके जाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। आपने अपने टोट बैग में से निकाल के अगर इसको लेके जाना है कहीं वॉशरूम में तो ले जा सकते हैं। आप इसमें अपना शैम्पू रख सकते हैं, अपने करंसी भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मेकअप का सामान भी आ सकता है। अपने आप टोट बैग में ये छोटे छोटे पाउच अपने डाल के रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये और आपको चीज़ ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी। इसमें आप अपना आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी करेंसी जो भी हो अपन ना रख रख सकते हैं इसमें। मेन वैसे नाम हम इसको पैड पाउच ही देते हैं कि ये पैड पाउच है। यूज़ आप मल्टीपल यूज़ है, जैसे मर्जी आप करना चाहो कर सकते हैं। इसको बनाना कैसे है, चलो चलते हैं बनाने की तरफ। फैब्रिक लिया हमने 26 बाय, लेंथ 26 है और विड्थ इसकी है 6 इंचज़। विड्थ 6 इंचज़ है और सेम ही हमें इसके साथ लेना है फ्यूज़ पेपर। ये पेपर है जो फैब्रिक के साथ चिपक जाता है, इसकी एक तरफ शाइन होती है। तो ये प्रेस के साथ हम इसको आयरन कर लेंगे तो ये चिपक जाएगा इसके साथ। जैसे ये इसके साथ चिपक जाता है अच्छे से, तो हम इसे सेंटर में से इक्वल फोल्ड करेंगे। इसको हमने सेंटर में से फोल्ड करना है। फोल्ड करके अच्छे से दोबारा एक बार आयरन लगा चला लेंगे इसके ऊपर, ताकि इसकी अच्छे से क्रीज बैठ जाए। नेक्स्ट स्टेप आपको बड़े ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मैं एक लाइन लगा रही हूँ जिसमें से बीच वाला सेंटर वाला है वो ओपन रखना है और साइडों से थोड़ा थोड़ा स्टिच करना है। ये ओपन है, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे बनने के बाद। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें जहाँ से स्टिच किया उसको थोड़ा सा ज्वाइंट है उसको ओपन करके उस पर अच्छे से प्रेस चला लेनी है, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। ऐसे प्रेस चलाने के बाद हमें इसको हाफ हाफ इंच डाउन करके एक लाइन लगानी है। जहाँ हमने स्टिच लगाया उससे हाफ हाफ इंच नीचे करके हमें एक सीधा लाइन लगानी है। उसके बाद एक और लाइन लगानी है हमें 4.5 इंचज़, जहाँ से हम फोल्ड करेंगे। इस स्टेप को गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, और बहुत इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे बनने में आपको। यहाँ से हमें फोल्ड करना है और ध्यान रखें क्लिप लगा लें। जब आपके पास पिंस है पिंस लगा लें आप, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप अपना यूज़ करें। इसको कैसे फोल्ड करना है, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ ऐसे ही फोल्ड करना है। ऐसे इसको ऊपर वाले जो क्लिप लगाए थे हमने हाफ इंच फोल्ड करके उसके साथ ही अटैच कर लेना। इक्वल ऊपर से इक्वल होना चाहिए, नीचे से भी। ये मैंने अच्छे से इक्वल कर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से पिनअप कर लेंगे या फिर क्लिप लगा लेंगे। और अब जहाँ से हमने फोल्ड किया था, फर्स्ट फोल्ड किया था, वहाँ से हमें गुलाई देनी है। इसका फ्लिप रेडी करना है। आप सीधा भी छोड़ सकते हैं पर गुलाई देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक के एक इंच अंदर की तरफ और एक ही इंच हमें नीचे की तरफ लेना है, और जहाँ से हमने गुलाई देनी है दोनों तरफ ऐसे ही लेना है और हम गुलाई दे देंगे। ऐसे थोड़ा फ्लिप गुलाई में आएगा तो अच्छा लगेगा। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको फैब्रिक बैग बनाने का शौक है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये अब मैं जैसे ही निशान लगा रही हूँ वैसे वैसे हमें इसको स्टिच करना है। तीन तरफ से स्टिच करना हमें, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा ये। मैं स्टिच करके उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। ये स्टिच कर लिया मैंने और अभी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे साइडों से। कपड़ा अगर कागज़ वगैरह ज़्यादा निकला हो तो हम फिनिश कर लेंगे इसको अच्छे से। इसको फिनिश करके और साइड से जो गुलाई है वहाँ से भी हमें कटिंग कर लेनी है गुलाई में दोनों तरफ से। और हल्के हल्के से हम इसमें नोचेस भी देंगे, जैसे हम सूट्स वगैरह में भी देते हैं, नेक बनाते हैं तो नोचेस देने हैं हमने इसके। धीरे धीरे से ध्यान रखिए कपड़ा ना कटे इसके साथ। अब जहाँ से हमारा ओपन एरिया था वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और सीधा कर लेंगे अच्छे से केयरफुली।
ये मैंने सीधा कर लिया है, और ये जहाँ से ज्वाइंट था वहाँ हमें स्टिच करना है। हैंड स्टिच भी कर सकते हो, मशीन स्टिच भी कर सकते हो। मैं इसको मशीन स्टिच करूँगी ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैंने इसको मशीन स्टिच कर लिया, आप हैंड स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ जाएगा, हम फोल्ड कर देंगे तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है इस वजह से। अब इसको हम दोबारा एक बार और फोल्ड करेंगे, और ये हमारा अच्छे से इसके नोक्स वगैरह निकाल लें जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, अच्छे से इसको चारों तरफ से फिनिश कर लें। और हमारा पाउच ऑलमोस्ट रेडी है। ये टिच बटन है मेरे पास, यही अवेलेबल है, मैं यही लगाऊंगी। आपके पास जो हो वो आप लगा सकते हैं, वेलक्रो हो वेलक्रो लगा लो, सिंपल टिच बटन हो सिंपल टिच बटन लगा लें। अच्छे से फिनिश करके मैं इसके ऊपर टिच बटन लगा लेती हूँ। नेक्स्ट आपको, वैसे तो रेडी ही है ये, आप रेडी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर टिच बटन लगा लिया, देख लीजिए अपना रेडी हो गया। ज़्यादा नहीं लगता है, 4-5 मिनट ही लगते हैं इसको रेडी करने में। इसमें अब हम अपना पैड डालें, चाहे मेकअप का सामान डाल लें, अपना जो भी आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं। ऐसे पाउचेस अगर आप अपने टोट बैग में रखेंगे तो आपको सामान ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होएगी। और ये हमारा रेडी है। इसके ऊपर मैंने स्टॉप स्टिच लगाना भूल गई थी, अब मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ टॉप स्टिच अच्छे से। ये मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, टॉप स्टिच से थोड़ा अच्छा लगता है। ये हमारा पैड पाउच रेडी है, और भी बहुत कुछ हम इसमें डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, गॉड ब्लेस यू।